आप जो है यहाँ से जो है लड्डू वगैरह ले सकते हैं जो कि प्रसाद के रूप में आपको बहुत सारी यहाँ पे आपको दुकानें मिल जाएंगी। और ये देखिए यहाँ पे ये व्यवस्था दी गई, क्योंकि इस समय जो है लगभग 45 डिग्री सेल्सियस की गर्मी है और उसमें ये व्यवस्था दी गई है भक्तों के लिए कि उनको जो है धूप वगैरह ना लगने पाए। जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे एक और वीडियो में। दोस्तों आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ जो है भक्तिपथ, और भक्तिपथ पे जो है कनक भवन से मैं इस वीडियो को अपने स्टार्ट कर रहा हूँ और दिखाने वाला हूँ इस रूट से कौन कौन से मंदिर आपको देखने को मिल जाएंगे। और सामने आपको जो मंदिर देखने को मिल रहा होगा दोस्तों, ये है कनक भवन मंदिर, जहाँ पे जो है भगवान राम लक्ष्मण जी और माता सीता जो है यहाँ पे विराजमान है अंदर की तरफ। और इस ये जो है माता सीता को मुँह दिखाई में मिला था ये मंदिर। और हम इस रूट से चलते हैं, आपको दिखाते हैं दोस्तों आगे की तरफ लेकर कि जो है इस रूट से जाते वक्त जो है आपको कौन कौन से प्रमुख मंदिर जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। चलिए अब बहुत सारे आपको खाने पीने के आइटम जो है इस रूट पे आपको मिल जाएंगे। और देखिए दोस्तों जो है रात का जो है लगभग 8-8:30 का टाइम हो रहा है, और इस समय का जो है यहाँ पे भीड़ आप देख सकते हैं कितना क्राउड आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड ही आपको यहाँ पे इस रूट पे जो है हमेशा आपको देखने को मिलेगा, जो कि भक्ति पथ का जो है ये मंदिर है रास्ता है। और भक्ति पथ पे आपको जो है चार प्रमुख मंदिर आपको देखने को मिलेंगे, जो कि जैसे ही आप एंट्री करेंगे भक्ति पथ पे आपको पहले तो आपको देखने को मिल जाएगा श्री हनुमानगढ़ी मंदिर। उसके बाद में जैसे ही आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे वहाँ से आपको देखने को मिलेगा दोस्तों राजा दशरथ महल, और राजा दशरथ के महल के बाद में आपको जो है अमावा राम मंदिर की तरफ जा सकते हैं, जहाँ पे जो है आपको फ्री भोजन की व्यवस्था आपको वहाँ पे मिल जाती है दोपहर में और शाम को, उसकी भी टाइमिंग है दोस्तों। और उसके बाद में जो है दूसरे रूट पे आप थोड़ा सा और आगे आएंगे तो मेन मंदिर यहाँ पे जो है कनक भवन, जहाँ से मैंने इस वीडियो को अभी स्टार्ट किया है, यहाँ पे ये चीज़ आपको देखने को मिल जाए। और इस रूट पे दोस्तों आपको जो है सामान जो है खाने पीने की व्यवस्था आपको पूरी पूरी जो है मिल जाएगी। और साथ में अगर आप यहाँ पे शॉपिंग वगैरह करना चाहते हैं अपने मंदिर के लिए, देख सकते हैं बहुत सारी आपको यहाँ पे मंदिर की जो है सामग्री आपको देखने को मिलेगी, बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। और जो है गमछा वगैरह ले सकते हैं अपने जो है घर के ऊपर लगाने के लिए, झंडा वगैरह ले सकते हैं, बच्चों के लिए खिलौने ले सकते हैं, लेडीजों के लिए जो है सिंदूर वगैरह जो है आप ले सकते हैं, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे जो है मिल जाएंगी। आपको ये देख सकते हैं आप चूड़ी कंगन ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। देख मतलब पूरा व्यवस्था आपको इस रूट पे जो है हर चीज़ मिलेगा, साथ में आपको खाने पीने के आइटम अगर चाहिए जो है भोजन वगैरह करना चाहते हैं तो वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और अच्छी अच्छी रसोईयाँ आपको यहाँ पे कनक भवन के पास ही मिल जाएगी, जो कि जो है कनक रसोई है, अम्मा जी के भी नाम से जो है एक रसोई आपको देखने को मिलेगी। और ये देखिए थोड़ा सा आप इस रूट पे आते हैं दोस्तों तो ऐसे यहाँ पे आपको एक बोर्ड लिखा हुआ दिखाई देगा, जहाँ पे जो बोर्ड लगा हुआ है दोस्तों वहीं पे आपको बगल में ही राजा दशरथ का महल आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि मैं अभी आपको वीडियो में दिखाने वाला हूँ। और सामने आपको जो है रेड कलर का मंदिर जो दिखाई दे रहा होगा वो है यहाँ का जो है श्री हनुमानगढ़ी मंदिर, जो कि सबसे ऊँचे टीले पर हनुमान जी विराजमान है, देखिए दोस्तों। और इस रूट पे आपको हमेशा के लिए जो है यहाँ पे पब्लिक आपको नज़र आने वाली है, जो कि बहुत ज़्यादा तादाद में यहाँ पे क्राउड रहता है। देख लीजिए आप, ये देखिए ये वाला जो है आपको मंदिर जो दिखाई देगा ये मंदिर है यहाँ का राजा दशरथ जी का मंदिर, देखिए ये मेन मंदिर है राजा दशरथ जी का। और इधर से अगर आप चलते हैं दोस्तों तो ये रूट आपको ये अमावा राम मंदिर की तरफ लेकर जाता है इधर, और जो है ये सामने की तरफ जाएंगे तो श्री हनुमानगढ़ी मंदिर आप जा सकते हैं। यहाँ पे बोर्ड भी लगा हुआ है कि किधर आप जाना चाहते हैं, ये देखिए अभी हम चलते हैं सामने की तरफ और दिखाते हैं आपको जो है हनुमानगढ़ी मंदिर की तरफ आप किस तरीके से किस तरफ से जो है जा सकते हैं। और इस वीडियो को दोस्तों जो है लास्ट तक जरूर देखिएगा, बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। अगर आप जो है यहाँ से डायरेक्टली सरजू घाट तक जाना चाहते हैं तो पूरा का पूरा आपको इस वीडियो में जो है इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, जो कि मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। आपको यहां से डायरेक्ट जो है हनुमानगढ़ी मंदिर के पास श्री राम पथ से लेकर आपको लता मंगेशकर चौक होते हुए आपको डायरेक्ट आपको जो है सरजू घाट तक लेकर जाने वाला हूं। तो दोस्तों अगर वीडियो में जो है आपको थोड़ा सा भी इंटरेस्ट हो रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर हमारे अगर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपने चैनल पे हम लाते रहते हैं दोस्तों। चलिए दिखाता हूँ आपको, ये देखिए जो छोटी छोटी आपको लाइटिंग दिख रही होंगी यहाँ पे, बहुत ही खूबसूरत लाइटिंग है दोस्तों, देखने में छोटी है लेकिन आप जो है
जैसे इसके पास जाते हैं तो नीचे की तरफ आप देखेंगे यहाँ पे तो बहुत ही खूबसूरत का एक रंगोली टाइप का आपको दिखाई देने वाला है। चलिए दिखाता हूँ, ये देखिए, ये ऐसी रंगोली, कोई 3D रंगोली आपको यहाँ पे दिखाई देगी जो कि बहुत ही खूबसूरत देखने में लगती है दोस्तों। और ये देखिए आपको, मतलब पूरे रूट पे है लेकिन कभी कभी चलाते हैं, कभी कभी बंद कर देते हैं ऐसा। ये देखिए, देख सकते हैं आप यहाँ पे, और बहुत ही खूबसूरत बनाया गया दोस्तों ये। अभी ये देखिए दोस्तों, ये यहाँ का जो है राजद्वार मंदिर, और राजद्वार मंदिर के सामने ये देखिए, ये जो है कुछ डेवलपमेंट हो रहे हैं यहाँ पे, सीढ़ियों का डेवलपमेंट हो रहा है। आगे इसके जस्ट बगल ही पार्क है, अगर आप आना चाहते हैं रात में तो यहाँ पे भी आके जो है आराम वगैरह कर सकते हैं। देखिए, आइए दिखाता हूँ आपको थोड़ा सा, ये देखिए, और यहाँ पे सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया दोस्तों। आगे की तरफ जो है एक तिलक टाइप का रखा गया है जो कि बहुत ही खूबसूरत देखने में लगता है। और यहाँ पे आप जो है ये जो गोल गोल घूम रहा है, ये वीडियो वगैरह भी बनवा सकते हैं। तकरीबन का जो है रेट लेते हैं 50 रुपये का। आओ आइए, और दोस्तों यहाँ पे जो है आप सावधान भी रहिएगा दोस्तों कि लोग जो है कुछ ज़्यादा ही दाम लेकर जो है चीज़ों को बेचते रहते हैं, लेकिन आप थोड़ा सा बार्गेनिंग ज़रूर कीजिएगा। कोई भी चीज़ आप खरीदें तो उसमें बार्गेनिंग ज़रूर कीजिएगा। और दोस्तों ये देखिए आप, अभी हम पहुँचने वाले हैं श्री हनुमानगढ़ी मंदिर के पास, और यहाँ से जो है आप व्हील चेयर वगैरह अगर आप लेना चाहें, देखिए ये व्हील चेयर, ऐसे ही कुछ व्हील चेयर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। और इनको जो है अपने माता पिता के लिए या बुजुर्ग के लिए या फिर कोई चलने में असमर्थ हो उनके लिए भी आप यूज में ले सकते हैं, जो कि लगभग में जो है इनका चार्ज बिल्कुल फ्री रहता है, लेकिन जो इसको लेकर जाएगा, ये हेल्पर आपको दिया जाएगा, उनका कुछ चार्ज होगा, उनको जो है नॉर्मल सा चार्ज देके आप इसको जो है यूज में ले सकते हैं। दोस्तों ये वाला एग्जिट पॉइंट है, जो कि आप हनुमानगढ़ी के अंदर जाएंगे तो यहाँ से जो एग्जिट होगा आपका, और एक रास्ता उस तरफ भी दिया गया जो कि हनुमान जो है हनुमानगढ़ी से आप राम मंदिर की तरफ भी जा सकते हैं। अभी देखिए दोस्तों, ये वाला रास्ता, ये है रास्ता आपको जो है ले जाने के लिए श्री हनुमानगढ़ी मंदिर। ये देखिए आप भीड़ देख सकते हैं यहाँ पे, ये रास्ता आपको डायरेक्टली लेकर जाता है श्री हनुमानगढ़ी मंदिर। ये देखिए बाबू साहब, क्राउड देखिए आप, और आप जो है यहाँ से जो है लड्डू वगैरह ले सकते हैं जो कि प्रसाद के रूप में आपको बहुत सारी यहाँ पे आपको दुकानें मिल जाएंगी। और ये देखिए यहाँ पे ये व्यवस्था दी गई, क्योंकि इस समय जो है लगभग 45 डिग्री सेल्सियस की गर्मी है, और उसमें ये व्यवस्था दी गई है भक्तों के लिए कि उनको जो है धूप वगैरह ना लगने पाए। और ये देखिए सामने की तरफ बहुत सारी आपको जो है दुकानें मिल जाएंगी जहाँ से आप जो है प्रसाद वगैरह ले सकते हैं यहाँ से अंदर मंदिर में चढ़ाने के लिए। अंदर मंदिर में आप जो है लड्डू भी चढ़ा सकते हैं, पेड़े भी चढ़ा सकते हैं, बहुत सारी जो है मिठाइयाँ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। ये सारी मिठाइयाँ आपको अंदर चढ़ाने के मिल जाते हैं, फूल माला वगैरह हर चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जो कि आप यहाँ किसी भी दुकान से आप लेकर जो है अंदर की तरफ जो है लेकर जा सकते हैं हनुमान जी को चढ़ाने के लिए। और आइए एक जो है रास्ता आपको मैं और दिखाता हूँ यहाँ पर, जो कि सामने श्रीराम पथ से जो है अंदर की तरफ आ सकते हैं आप, लेकिन यहाँ से बिल्कुल जो है गाड़ी वगैरह बिल्कुल नहीं ला सकते हैं यहाँ पर। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत ये भी रास्ता बनाया गया है दोस्तों, यहाँ पे आप लाइटिंग भी देख सकते हैं। आइए थोड़ा सा दिखाता हूँ आपको, ये देखिए बहुत ही खूबसूरत रास्ता, ये देखिए दोस्तों। बहुत ही खूबसूरत दोस्तों ये रास्ता आप देखिए, यहाँ पे लाइटिंग देख सकते हैं, लाइटिंग जो है बहुत ही गजब का बनाया गया है यहाँ पे। ये देखिए देख सकते हैं दोस्तों, ये वाला आपको जो है रामपथ से भी लेकर जाएगा, लेकिन मैं दूसरे वाले रास्ते से लेकर चलता हूँ आपको, जो कि मेन द्वार वही है जहाँ से लोग जो है अंदर राम मंदिर की तरफ आते हैं दोस्तों। और सामने ही आपको जो है श्री हनुमानगढ़ी मंदिर आपको देखने को मिलेगा। और ये देखिए यहाँ पे ऐसी कुछ बैरिकेडिंग दी गई है जहाँ से आप जो है बहुत ही आसानी से बिना भीड़ के इधर उधर लड़े भड़े जो है अंदर की तरफ आ सकते हैं भगवान जी के, हनुमान जी के दर्शन करने के लिए। देखिए दोस्तों, और ये भी आपको दिखाई देगा बहुत ही खूबसूरत, ये भी आपको यहाँ पे नज़ारा लगने वाला। देखिए आइए दिखाता हूँ आपको, बहुत ही लाजवाब। आइए, और इस रास्ते से अगर आप जो है अंदर की तरफ आना चाहें दोस्तों तो जो है अंदर की तरफ आ सकते हैं बिना भीड़ के। और ये वाला जो है एक शॉर्टकट रास्ता दिया गया है जिधर से हम जो है इधर से ही जा सकते हैं।
श्रीरामपुर से इधर भी निकला जा सकता है, लेकिन ये सब्जी मंडी होते हुए जाता है दोस्तों। और ये देखिए क्राउड आप देख सकते हैं दोस्तों। इस रूट पे जो है पहले लगाया गया था, जो 3D लाइट आपको मैंने दिखाया था यहाँ पे, इस रूट पे भी लगाया गया था, लेकिन कुछ कारणवश जो है इनको निकाल दिया गया है। लेकिन इस पहले इसी रास्ते पे जो है वो चीज़ें लगाई गई थी। और शाम रात के तकरीबन 8:30 बज रहे हैं और यहाँ पे अभी जो है भीड़ आप देख सकते हैं दोस्तों। हनुमानगढ़ी मंदिर ज़्यादा टाइम तक जो है खुला रहता है, यहाँ पे जो है जल्दी जो है हनुमानगढ़ी मंदिर बंद नहीं होता है। और राम मंदिर की टाइमिंग की बात करें दोस्तों, तो सुबह 5 से और रात में 10 तक उसका जो है मेन टाइम है। आप अगर आना चाहें दर्शन करने तो इतने टाइम में कभी भी आप आ सकते हैं, बीच बीच में आरती वगैरह होती रहते हैं। और अगर आप यहाँ पे जो है कुछ खाने पीने की व्यवस्था चाहते हैं तो खाने पीने के बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। आप फास्ट फूड आपको जो है यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, बहुत सारी जो है आपको व्यवस्था आपको खाने पीने की यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। और अगर आप जो है आना चाहते हैं हनुमानगढ़ी में दर्शन करने के लिए, तो आपको जो है हमारी वीडियो से बहुत ज़्यादा मदद मिलने वाला है। ये देखिए दोस्तों, जो सामने की तरफ जो है लिखा गया है लता मंगेशकर चौक, जो है इधर की तरफ आप सीधे की तरफ जा सकते हैं। और जो अगर आप यहाँ से जो है इधर हम के रेलवे स्टेशन जा सकते हैं, तो आप इस तरफ जो है राइट हैंड साइड की तरफ जो है टर्न होके जा सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत रास्ता ये भी बनाया गया है श्री राम पथ, जो कि 13 किलोमीटर के रेंज में बनाया गया है। आप इधर जाते हैं तो आपको लता मंगेशकर चौक की तरफ और जो है नए घाट की तरफ जा सकते हैं। आप इस तरफ जाते हैं तो शहादतगंज की तरफ जो है पूरा रास्ता ये डेवलप किया गया है 13 किलोमीटर का टोटल, जो कि आपको बहुत ही खूबसूरत देखने को मिल जाएगा दोस्तों। ये देखिए क्राउड देखिए दोस्तों, बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पर भीड़ देखने को मिल जाएगी। और ये मेन गेट है, मेन गेट मैं आपको दिखा दूँ, ये वाला है, यहाँ से जो है आप जा सकते हैं अंदर की तरफ दर्शन करने के लिए। चलिए, और दोस्तों अगर आप यहां से जो है जाना चाहते हैं सरयू घाट की तरफ, और अगर आपके पास कोई भी सवारी नहीं है, तो आप इस रूट से बहुत सारे ऐसे ई रिक्शा वगैरह लगे रहते हैं, आप इस पर बैठ के और 10 रुपये का मामूली सा चार्ज रहता है। यहां से जो है बैठ के आप डायरेक्ट लता मंगेशकर चौक सरयू घाट यहाँ पर आप जा सकते हैं दोस्तों। बहुत सारे आपको यहाँ पर ऑप्शन दिख जाएंगे ई रिक्शा वगैरह के, देखिए। और यहाँ पर जो है खाने पीने के लिए जो है होटल वगैरह यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे, बहुत सारे होटल भी हैं इस रूट पे दोस्तों। और आप इस रास्ते पे आके जो है सारी सुविधाओं का जो है लाभ उठा सकते हैं। तो दोस्तों अभी हम जो है श्रीरामपथ पे पहुँचे हुए हैं, और श्रीरामपथ से अगर आप हमारे राइट हैंड साइड की तरफ जाते हैं तो ये रास्ता आपको लेकर जाता है छोटी छावनी की तरफ। और यहाँ पे आप लाइटिंग की व्यवस्था देख सकते हैं सामने की तरफ, बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत जो है आपको यहाँ पे LED लाइट जो है देखने को मिल जाएगी। और जैसे ही हम यहाँ से थोड़ा सा आगे जाते हैं, यहाँ पे आपको जो है मौर्य मिष्ठान की बहुत ही फेमस दुकान आपको दिखाई देगी, जहाँ का जो है दही जिलेबी बहुत ही फेमस आपको यहाँ पे दिखाई देने वाला है दोस्तों, जो कि हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे पड़ता है। और ये आगे की तरफ जो है छोटी देवकाली मंदिर है, जो कि राजा जनक जी का जो है यहाँ कुल देवी का मंदिर है। और अगर आप जो है बड़ी देवकाली जाना चाहते हैं, जो कि श्री रामचंद्र जी के जो है कुल देवी का मंदिर है, वहाँ की भी मैंने वीडियो बना रखी है दोस्तों, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप जाके जो है वहां से उस वीडियो को भी देख सकते हैं। और दोस्तों आप इस वीडियो में देखेंगे लगातार जो है यहां पे साफ सफाई सुबह शाम दोपहर हमेशा होती रहती है, और आपको यहां पे बहुत ही साफ सफाई देखने को मिलने वाली है। और यहां से तकरीबन जो है 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी में आपको दिखाई देने वाला है लता मंगेशकर चौक, जो कि बहुत ही फेमस सेल्फी पॉइंट है वहाँ पे, और वो लता मंगेशकर जी के जो है नाम से बनाया गया है। और एक वीणा भी वहाँ पे रखी गई है, जो कि बहुत ही बड़ी वीणा है वहाँ पे, और लोग वहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी सेल्फियाँ भी खिंचाते रहते हैं। और दोस्तों इस रूट से अगर आप जो है जाते हैं, ये सामने आपको दिखाई दे रहा होगा बोर्ड में लिखा हुआ है कि आप यहाँ से जो है महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जाना चाहते हैं, तो यहाँ से 15 किलोमीटर की दूरी है यहाँ से जो है, और बगल में ही भक्ति पथ जो है धर्म पथ का निर्माण भी किया गया दोस्तों। धर्म पथ का भी मैंने वीडियो बहुत सारा बना रखा है, आप अगर वहां से जाना चाहें तो जो है वहां से होते हुए और जो है मेन NH-27 होते हुए आप जा सकते हैं दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, यहां पे ऐसे ई रिक्शा वगैरह आपको देखने को मिल जाएंगे, जो कि अगर आप यहाँ से जो है करना चाहते हैं, यहाँ पे पूरे अयोध्या जी का जो है पूरे आप टूर करना चाहते हैं, तो
तो इन रिक्शा को जो है बुक करके आप यहाँ पे कर सकते हैं। सामने आपको जो है ये वीड़ा दिखाई दे रही होगी जो कि लता मंगेशकर चौक के नाम से ये जो है चौराहा फेमस है। आप यहाँ पे आके बहुत सारे जो है पिक्चर भी क्लिक करा सकते हैं दोस्तों। ये आरा दिया गया है, यहाँ से आप जो है नीचे सरजू घाट की तरफ जा सकते हैं। और सामने आपको एक ये जो है सरजू नदी वाला पुल आपको देखने को मिल जाएगा जो कि बहुत ही पुराना पुल है, और इस पे जो है एलईडी लाइटिंग बहुत ही गजब की गई है दोस्तों। और अगर आप इस रूट से सीधे की तरफ जाते हैं तो आप गोंडा बहराई की तरफ आप जा सकते हैं दोस्तों। ये देखिए आप, और नीचे आपको दिखाई देगा सरजू नदी। आइए आपको यहाँ के जो है थोड़ा सा झलक दिखाता हूँ कि कैसा है यहाँ का सरजू नदी। ये आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा, ये है सरजू घाट दोस्तों। और इस घाट का भी बहुत ही अच्छे से निर्माण हो रहा है, और निर्माण का भी मैंने वीडियो बना रखा है। ये अगर आप सीधे की तरफ जाते हैं तो इस पथ का नाम रखा गया दोस्तों लक्ष्मण पथ, जो कि आपको डायरेक्ट आपको यहाँ पे 8.5 किलोमीटर की दूरी पे आगे जो है आपको गुप्तार घाट दिखने वाला है, जहाँ पे भगवान राम जी ने जो है जल समाधि ली थी और अपने देह का जो है देह त्याग जो है वहीं से किया था। और इस आगे की तरफ वहाँ पे राम की पैड़ी है, वहाँ पे जो है बहुत ही अच्छा निर्माण किया गया। वहाँ पे जो है लोग वहाँ पे भी नहाते हैं, जहाँ पे जो है बहुत थोड़ा थोड़ा पानी रहता है, डूबने की जो है शंका नहीं रहती है। यहाँ पे बहुत अच्छा जो है कर दिया गया है, इन चीज़ों को लगा दिया गया है। यहाँ से लोग इसके आगे नहीं आते हैं तो यहाँ पर भी डूबने का चांस बिल्कुल नहीं रहता है। और ये देखिए दोस्तों, नाव वगैरह यहाँ पर रहता है, आप यहीं पर आके जो है बोटिंग वगैरह भी कर सकते हैं। पर पर्सन 50 रुपया और 300 रुपये की बुकिंग इनकी होती है, पूरी जो है इस नाव को जो है बुक कर सकते हैं। और ये है पूरा सरजू रिवर। तो दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। और दोस्तों चलिए इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।